हेलो एवरीवन, तो स्वागत है थोड़ा सारे ना पंजाब दे नंबर वन ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म दे विच। PSTCL दे विच बंपर रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जानने दे लिए बने रहो साडे नाल। उस तो पहला सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, तो बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भुलना। इस दे नाल ही साडा पंजाब PSPCL PSTCL PPSC JEE कॉम्प्रीहेंसिव लाइव बैच चैक करना बिल्कुल ना भुलना। 6999 रुपये दे विच नाल ही तुहानू बहुत तकड़ा ऑफर भी देवांगे। कूपन कोड तुहानू मिल जाएगा चैकआउट पेज के उपर, उहदे नाल तुहानू होर भी लैस प्राइस ते यह मिल जाएगा। बहुत ही A1 क्लास का तुहानू यह कोर्स मिलेगा। A to Z प्रिपरेशन करवाई जाएगी, कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो 7 to 9 बजे तक तुहाडी 2 घंटे की मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास लगे करेगी। तो जे किसी की मिस हो जाए तो वह बाद चो रिकॉर्डिड फॉर्म के भी वह क्लास जी है वह अटेंड कर सकता है। होर ये तुहानू फुल टैसट सीरीज़ मिलेगी, PDF स्टडी मटीरियल मिलेगा, हर संडे टैसट होए करेगा, तुहानू पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तुसीं JEE बन जाओगे, SDO बन जाओगे जे तुसीं इस कोर्स में चंगी तरह अपना लिया। CIZ प्लस की गारंटी है। तो हुण जाके चैक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच है। इलैक्ट्रिकल का लाइव बैच दे नाल नाल सिविल ते मकैनिकल का भी PPSC का लाइव बैच असीं लॉन्च कर दिता है, वह भी डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है, जाके चैक कर लो। तो हुण चलदे हां डिटेल्ड एडवरटीजमेंट दे उपर। तो जिहड़ियां हुण वैकेंसीज आई हैं आर्किटेक्ट दियां, असिसटेंट लाइनमैन दियां, ते असिसटेंट सब स्टेशन अटेंडेंट दियां PSTCL दे विच। सब तो पहला गल कर लईए कि जिहड़े फॉर्म भरन की डेट है वह कदों तो शुरू हो रही है। 20 मई 2021 तो लैके 11 जून शामी 5 बजे तक तुसीं ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ते 15 जून 2021 तक तुसीं जिहड़ी फीस है वह भर सकते हो। इस तो बाद जे आपां गल करिए कि फॉर्म जिहड़ा है वह भरना कि वैबसाइट पर, तो तुसीं www.pstcl.org वैबसाइट पर जाके फिल कर देना है फॉर्म। तो हुण आपां नंबर ऑफ पोस्टां ते गल कर लईए। तो आर्किटेक्ट दियां 1 पोस्ट आई है, तो असिसटेंट ALM यानी कि असिसटेंट लाइनमैन दियां 350 पोस्टां आई हैं, तो असिसटेंट सब स्टेशन अटेंडेंट दियां 150 पोस्टां जिहड़ियां है वह आई हैं। तो क्वालिफिकेशन की गल कर लईए, तो आर्किटेक्ट की जिहड़ी क्वालिफिकेशन है वह होएगी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर या फिर इक्विवेलेंट तुहाडे कोल जिहड़ी कोई भी डिग्री है वह होनी चाहिए है। एक्सपीरियंस जिहड़ा है वह घट्टो घट 5 साल का इत्थे चाहिदा ही चाहिदा है। तो जिहड़ा एक्सपीरियंस है वह मैंबर ऑफ पंजाब सर्विस ऑफ कॉरपोरेशन असिसटेंट आर्किटेक्ट जिहड़े है उन्हें दे विच वर्किंग का तुहाडे कोल 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है। पे स्केल की गल कर लईए, तो पे स्केल जिहड़ा है वह नवें पे स्केल के हिसाब नाल तुहानूं मिलेगा, जिहड़ा कि July 2020 दे विच अप्लाई होया है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। असिसटेंट लाइनमैन की आप गल कर लईए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि एक तो मैट्रिकुलेशन तो चाहिए ही चाहिए है, उस तो बाद ITI भी इलैक्ट्रीशियन या वायरमैन दे विच चाहिदी है, ते असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट दे विच भी तुहानू मैट्रिक या इक्विवेलेंट लैवल ते फुल टाइम रेगुलर ITI इलैक्ट्रीशियन ते वायरमैन दे विच तुहाडी होनी ही होनी चाहिदी है। इस तो बाद जे आपां गल कर लईए प्रोबेशन पीरियड दी, तां 3 साल का प्रोबेशन पीरियड भी तुहाडे ते अप्लाई होएगा, जिहदे विच तनखाह जिहड़ी है वह घट मिलती है। इस तो बाद जे आप गल कर लईए नॉलेज ऑफ पंजाबी दी, तो मैट्रिक लैवल तक तुहाडी पंजाबी जिहड़ी है वह लाजमी रखी गई है, पंजाबी पास होनी चाहिए है तुहाडी मैट्रिक लैवल तक दी। एज लिमिट जिहड़ी है वह 20 to 37 साल रखी गई है। 1 जनवरी 2021 नूं यह एज तुहाडी कैलकुलेट की जाएगी। तो आप जे गल कर लईए एलीजिबिलिटी असिसटेंट लाइनमैन ते असिसटेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की, तो 18 to 37 साल जिहड़ी एज लिमिट है वह रखी गई है। इस तो बाद रिलैक्सेशन भी दी गई है, SC ST ते बैकवर्ड क्लास में 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन नूं भी इत्थे एज रिलैक्सेशन दी गई है। फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स नूं भी इत्थे 10 साल की तुहानूं एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो अपर एज लिमिट 40 साल तक होएगी विडोज़ ते सैपरेटिड वूमेन दे लई। इस तो बाद आप गल कर लीजिए रेजरवेशन की, तो रेजरवेशन जी है वह तो पंजाब सरकार दी हिदायतों के अनुसार सारे की रेजरवेशन तुहानू मिलेगी। SC BC एक्स सर्विसमैन फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट्स परसन फिजिकली हैंडीकैप EWS। इलैक्शन प्रोसैस की गल कर लीए, तो ऑनलाइन एग्जाम तुहाडा होने वाला है, 100 नंबर ऑफ ऑबजैक्टिव क्वेश्चन होने,
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ 0.25 ਮਾਰਕਸ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਰੀਜਨਿੰਗ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਏਗਾ। 40 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 100 ਨੰਬਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ GK ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਔਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਨੀਮਮ 50% ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ 40% ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ www.pstcl.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ID, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਕੇ, ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ EWS SC ਅਤੇ PWD ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ 1416 ਰੁਪਏ ਹੈ। SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 566 ਰੁਪਏ ਹੈ। PWD ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ 708 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ EWS ਦੀ 566 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ।